नमस्कार साथियों, एक दूसरा वीडियो भी इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक वीडियो पे हमने और भी बात करी थी कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप सबको पता ही है भाई। सोशल मीडिया पे एक इंडिया में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, सच्ची की बात यह है। और इंडिया में नहीं, सब कंट्रियों में यही स्थिति है। अच्छी लड़की की फोटो लगाना पूरा, मतलब एक तरह से उनकी जो प्रोफाइल है ना फेसबुक पे, बात करें पूरी एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर ली जाती है विदेशी लड़की के नाम से। और सोशल मीडिया पे बहुत सारी लड़कियां, उनका फोटो, उनका नाम वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो वो भी सेम टू सेम कर लेता है। ऐसा ही एक माजरा हुआ, बता दूं, सोशल मीडिया पे लड़की की फोटो का इस्तेमाल करके एक लड़के से 25,000 रुपए ठगने का प्रयास किया गया। ये तो लड़का होशियार था, उनके रिश्तेदार, उनके कुछ कोई भी मान लीजिए, वो खुद एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहे थे, इसलिए उनके 25,000 रुपए बच गए। पूरा डिटेल से हम बताएंगे, इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ठगी की जा रही है और किस तरह से आपको इसमें बचना चाहिए। जी हाँ, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हुआ क्या है बता दूं, आजकल आपके अब सबके पास मोबाइल होते हैं भाई, विदेशी नंबरों से कॉल या मैसेज भी आ जाते हैं, सबके पास आते होंगे, बहुत सारे लोगों के पास आते हैं। मेरे पास भी ऐसे सर मैसेज आते हैं, सर एयरपोर्ट पे सामान पड़ा है, वो बोलता है 20,000 दे दो, 15,000 दे दो। कोरियर वाले का फोन आ रहा है, भाई आपका सामान पड़ा है, इसको छुटाने के लिए पैसे डालो अकाउंट में। इस तरह से कुछ होता है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। पहले आपसे संपर्क करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, विदेशी महिला की फोटो लगाकर ठगने का प्रयास भी हो सकता है। जी हाँ, इस तरह से ठगी करने का प्रयास होगा। और वो कॉल नहीं करते हैं, कई लड़कियां कॉल भी, अगर रियल में लड़की होगी तो वो कॉल कर लेंगे, बाकी लड़के अगर बैठ के लड़की की प्रोफाइल से करते हैं तो सिर्फ चैट करते हैं। हुआ क्या कि बता दूं, एयरपोर्ट से लग्जरी सामान, गिफ्ट, अन्य सामान छुड़वाने के एवज में बैंक अकाउंट नंबर भी भेज दिया बंदे को, खाते में पैसे डलवाने की अपील उनसे कर लीजिए। हाँ, आपसे भी अपील हो सकती है, इस बात को ध्यान रखें। पिछले काफी समय से कॉल और मैसेज लोगों को ठगने के लिए भेजे जा रहे हैं। एक टारगेट होता है कि दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर से कैसे भी 200 300 400 लोगों को एक दिन में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो 2-4 मुर्गे आराम से फंस जाते हैं। और जो मुर्गे फंसते हैं वो 20-30,000 से नीचे एक मुर्गा नहीं होता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो पर डे के महीने के लाखों रुपए आराम से कमा लेते हैं ठगी करने वाले। ठीक है, ऐसे ठगी का शिकार एक बंदा बुधवार को सोशल मीडिया पे होते होते बच गया। जी हाँ, एक बता दूं, ये कोई डाबड़ा गांव का रहने वाला नवीन पायल नाम का बंदा था। उसने बताया कि बुधवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर हेलो को मेरे पास एक मैसेज आया, सुंदर विदेशी महिला की फोटो लगी हुई थी, आईडी एलिजाबेथ के नाम से, यानी विदेशी महिला के नाम से थी। मेरे पास ऐप का नंबर से नंबर लेकर चैट करनी शुरू कर दी। जी हाँ, और चैट करने के साथ ही उसने ये भी बोला कि ठीक है मैं आपके लिए गिफ्ट भेजूंगी, इसके लिए उसने अपने लिए शूज शर्ट के साइज भेज दो बंदे को बोलती है। तो बंदे ने क्या किया, अपने साइज भेज दिए। ठीक है, उसके बाद मुझे फोटो भेजी जो कि लग्जरी सूट, शर्ट, परफ्यूम, घड़ी या मोबाइल, आईफोन वगैरह इस तरह की थी। इसके अलावा पैक्ड शर्ट सूट केस का भी एक फोटो थी। जी हाँ, जो कि किसी एयरपोर्ट की लग रही थी। तो पता है आपके पास एक लोग फोटो भेजते हैं, ये देखो एयरपोर्ट पे आपका सामान आ गया, ये सोशल मीडिया से सब कुछ उठाया हुआ होता है और कुछ नहीं होता। आगे उसने चेंज करके बताया कि आपका सामान मैंने पे कर दिया है और पे करवा के रखवा दिया, एयरपोर्ट की तरफ आपका सामान रवाना हो चुका है, और उसको फोटो भेज दी जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा। जी हाँ, और वहां से आपने 25,000 रुपए उसका कस्टम ड्यूटी भरकर सूटकेस ले लेना है, ये बंदे को बता दिया। बंदा ठीक है, बोला ठीक है सामान भेजिए, 25,000 दे देंगे। उसके पास फोन भी आएगा, 2 फरवरी को सूटकेस डिलीवरी का शिपिंग की तरफ से कॉपी भेज दी कि 2 फरवरी को आपका दिल्ली एयरपोर्ट पे सामान पहुंच चुका है, ये शिपिंग की कॉपी है जिसको बिल बोल सकते हैं। जी हाँ, उसमें 19 किलो 900 ग्राम का सामान का वजन बताया गया, अराउंड अगर बात करें तो 20 किलो सामान उसमें था। बंदे को शक हुआ गया, इतनी जल्दी कोई लग्जरी सामान कैसे भेज सकता है। अगर थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत होती है तो ये सत्य बात है कि 5-7 दिन से जिससे हम चैट पे बात कर रहे हैं वो इतना जल्दी अपने से अपने पास लाखों, भाई 25,000 है तो लाख रुपए से 1.5-2 लाख का सामान तो होगा ना, क्यों भेजेगा अगला इतना जल्दी। तो उसने क्या किया, उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं गोवा में अमृतसर एयरपोर्ट पे, उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने उनकी जानकारी दी, तो बताया कि सब कुछ फर्जी है भाई, इनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, रुपए ठगने का प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जी हाँ, उन्होंने आगे ये भी बताया कि अगर आपका सामान 10 किलोग्राम से ज्यादा है तो आपसे कस्टम ड्यूटी भरवाई जाएगी। ये वो बात नहीं, अभी आप कमेंट करने लग जाओगे कि नहीं 25 किलो 30 किलो छूट होती है, वो सामान एयरपोर्ट पे फ्लाइट का होता है, ये वो है जो शिपिंग का होता है ना, जो कोरियर के द्वारा, उनकी मैं बात बता रहा हूँ।
उनमें क्या होता है कि आरबीआई अगर आपसे टैक्स लिया जाता है कोरियर में आता है तो आप एयरपोर्ट पे तो जाओगे नहीं, तो वो आरबीआई का 22 नंबर का एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, आरबीआई जो सरकारी है अकाउंट नंबर दिया जाता है, उसमें आपका चलान भी भरवाया जाता है, पूरा एक नंबर में लीगल प्रोसेस होता है, ठीक है। तब उसको फर्जीवाड़े का पता लगा कि इससे सच्चाई का पता लगा तो उनको लगा कि चलो हम बच गए। अब उसके कॉल और मैसेज अभी भी आ रहे हैं क्योंकि उसको तो ये लग रहा है ना कि बंदा को हम फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंदे ने बोला मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। यानी उन्होंने अपील की कि हर आदमी अलर्ट रहे, समझदार रहे, लग्जरी सामान के चक्कर में अपना जो थोड़ा बहुत अकाउंट में इधर उधर दोस्तों के पास ले लुआ के खर्च मत कर दे मत दे भाई, पैसे दे दोगे तो चला जाएगा, एक चवनी वापस आपको नहीं मिलनी है। बस ये आपको अपडेट देनी थी कि इसी किसी भी तरह का आपके पास इस तरह का कोई लालच, विदेश के नाम से इंडिया के नाम से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, कोई थोड़ा बहुत हेल्प के तौर पे पैसे मांगे, लग्जरी सामान के चक्कर में आप इस तरह से कुछ कर देते हो तो सब कुछ फेक है। इन चीजों से जितना जल्दी बचोगे उतना फायदा रहेगा। बस ये अपडेट आप लोगों से शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।